children, open your maths books at page number 15. See here, we have again have some word problems here. Abdul is 6 years old. Abdul, see the boy, he is 6 years old. 6 years old means uska age. His father is 37 years old. How many years old his father? Abdul ki papa hai ye. Ye 37 years old hai. How much older is his father? How much older? See the word older. उसके पापा की क्या एज है? ओल्डर मीन्स वो कितने साल के हैं. हाउ मच ओल्डर इज हिज फादर, उसकी फादर कितने ईयर्स के हैं, ये हमको फाइंड आउट करनी है. ओके चिल्ड्रन, सो अब्दुल का एज 6 ईयर्स है एंड पापा का 37 है. सो पापा की एज से अब्दुल की एज को माइनस करेंगे तो अब्दुल का, हमें अब्दुल की फादर की एज पता चलेगी. मान लीजिए आपने प्लस कर दिया तो दोनों का एज कितना है. हाउ ओल्डर बोथ ऑफ देम आर, ऑल हाउ ओल्डर दे आर इन ऑल, ऑल टुगेदर व्हाट इज़ देयर एज, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको प्लस करना है. बट हियर व्हाट आर क्वेश्चन इज, हाउ मच ओल्डर इज हिज फादर, अब्दुल की फादर कि एज क्या है. तो आपको करना क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अब्दुल्स फादर एज फ्रॉम अब्दुल्स एज. अगर आप अब्दुल की एज 6 ईयर्स, तो 6 से 37 कभी कर सकते हो क्या? छोटी नंबर से बड़ी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नो. सो 37 में से 6 माय सब्ट्रैक्ट करिए, ऑब्वियसली आपको अब्दुल की फादर की एज आ जाएगा एंड दैट विल बी आर आंसर विच वी नीड. 7 माइनस 6 1 एंड 3 माइनस 0 इट इज 3. सो 31, हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल्स फादर, अभी अब्दुल की फादर की, हाउ मच ओल्डर इज हिज फादर, सो अब्दुल की पापा कितनी ईयर्स बड़े हैं, किससे कंपेयर करो तो अब्दुल से. अब्दुल की फादर 31 ईयर्स बड़े हैं क्योंकि अभी अब्दुल की फादर की एज है 37 ईयर्स एंड अब्दुल 6 ईयर्स का हो गया है. तो अब्दुल की पापा अब्दुल से 31 ईयर्स बड़े हैं. इज़ इट ओके? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वानी मेड 30 पेपर बोट्स. हाउ मेनी पेपर बोट्स? 30. वानी ने 30 पेपर बोट्स बनाई है. उसमें 10 बोट्स sank. See the word sank. Sank means डूब गए. Sink होता है ना, तो उसी का past form है. Sink verb की past form है sank. So 10 boats sank. 10 boats क्या हुआ? पानी में डूब गए हैं. So how many were left? कभी भी आप ये word जब देखोगे left, कितने बचे हैं उसके पास अभी, कितने हैं. लेफ्ट मीन्स जो रिमाइनिंग, जितने बचे हैं उनको हम लेफ्ट बोलते हैं. सो वानी ने बनाई तो 30 बोट्स है, तो 30 में से 10 बोट्स क्या हो गए हैं? देवर सैंक इन द वाटर, वाटर में सैंक हो गए हैं. सो अगर 30 बोट्स बनाई उसमें 10 बोट्स डूब गए, तो हाउ मेनी वर लेफ्ट? टोटल बोट्स में से जो सैंक बोट्स को आप माइनस करेंगे तो अभी उसके पास कितने बचे हैं वो पता चलेगी ना हमें. सो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम को रीड करिए, समझिए, देन ही सॉल्व करना है. ऐसा नहीं दो नंबर्स दिख गया तो प्लस ही कर दिया, माइनस ही कर दिया. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. लेफ्ट कितने बचे हैं? वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस वर्ड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, सो वानी के पास पहले 30 थे, 10 सैंक हो गया. लेट अस सी हाउ मेनी वर लेफ्ट. 0 माइनस 0 इट इज 0 अगेन. 3 माइनस 1, 3 में से 1 कट करिए, सो वी आर लेफ्ट विथ 20 एंड 20 बोट्स वेयर लेफ्ट विथ वानी. वानी के पास अभी 20 बोट्स पड़े हैं. इज इट ओके? नाउ द थर्ड वन यू कैन डू एज योर HW. इधर भी देखिए आप, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए. हरी के पास कलरिंग बुक है, इट हैज़ 64 पेजेस. ही हैज़ कलर्ड द ड्राइंग्स ऑन 32 पेजेस. ऑलरेडी 32 पेज में जो भी ड्राइंग्स है उसमें इसने कम्प्लीटली ही हैज़ डन द कलरिंग. एंड हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट, मतलब बिना कलर करके कितने पेजेस बचे हैं. तो सेम अभी वानी की पेपर बोट्स जैसा सॉल्व करेंगे. कैसा? पहले अब्दुल की कलर बुक में कितने पेजेस हैं एंड हाउ मेनी पेजेस उसने कलर कर दिया. इसमें से इसको माइनस करेंगे. हियर ऑल्सो यू गॉट द word left. So if you are subtracting these two, you can easily write the answer. So let us see fourth one. There are 39 children in a class. कितने हैं एक क्लास में? 39 children हैं. उनमें से
35 ऑफ देम आर गोइंग फॉर ए पिकनिक. जिस अपनी स्कूल में भी हम पिकनिक गए थे ना लास्ट ईयर, वी टू वेंट फॉर ए फील्ड ट्रिप इन द सेम वे. इस क्लास में 39 स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 35 बच्चे ही गए थे पिकनिक के लिए. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग. कुछ बच्चे नहीं जा पाए थे. क्यों? बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. किसी का तबीयत खराब है, किसी को कहीं जाना है. सो फ्यू स्टूडेंट्स डिडेंट गो फॉर द पिकनिक. सो वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग. कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी है. सो अपन कैसा करेंगे? 39 चिल्ड्रन जा रहे, 35 नहीं, क्लास में कंप्लीट टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 39 हैं. उनमें से कितना जा रहे हैं? 35 और ऑलरेडी रेडी टू गो फॉर पिकनिक. सो कितना नहीं जा रहे कैसा पता चलेगा? टोटल बच्चे में से कितना जा रहे हैं उन दोनों को माइनस किया तो जितने बच्चे नहीं जा रहे उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इजेंट इट चिल्ड्रन? क्वेश्चन अच्छा से रीड करिए और समझिए. ओके, जैसा आप कभी मैम अटेंडेंस लेते हैं तो मुझे कैसा पता चलता है आज कितने एब्सेंट्स हैं? मैं क्या करती हूँ अपनी क्लास में? हाँ, यस आई हैव 40 चिल्ड्रन, इसमें से 3 स्टूडेंट्स नहीं आया, तो 40 में से उन 3 को माइनस किया तो मेरा टोटल स्ट्रेंथ पता चलेगा. इसमें भी यही कर रहे हैं, 39 चिल्ड्रन हैं उसमें 35 तो जा ही रहे हैं, तो कितना नहीं जा रहे? टोटल में से ये जो जा रहे हैं इनको हम माइनस करेंगे. 9 माइनस 5, 9 में से 5 कट करिए, अप टू हियर इट इज 9. नाउ 1, 2, 3, 4 एंड 5 कट करेंगे तो कितना लेफ्ट ओवर है अपने पास? 4. एंड सेम माइनस 3 माइनस 3 सेम नंबर माइनस सेम नंबर इट इज 0. सो 4 चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग. हाउ मेनी? 4. 4 स्टूडेंट्स जो है वो पिकनिक जा नहीं रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सी 5th. जया हैज़ 57 स्टिकर्स. जया के पास स्टिकर्स कितने हैं? 57. माया हैज़ 22. माया के पास तो 22 ही है, तो आपको पता है 57 बड़े हैं या 22 इज़ अ बिग नंबर? यस, 57 इज़ मोर. एंड माया के पास कितने हैं? ओनली 22. हाउ मेनी मोर स्टिकर्स डज जया हैव? सो माया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जया के पास कितना ज़्यादा है? जैसा आप हो, आपकी फ्रेंड है, तो आपकी फ्रेंड के पास आपसे भी ज़्यादा स्टिकर्स है, तो आपको कैसा पता चलेगा आपकी फ्रेंड के पास कितने स्टिकर्स ज़्यादा हैं? तो पहले आपकी फ्रेंड की स्टिकर्स से आपकी स्टिकर्स माइनस कर लो, तो जो लेफ्ट ओवर है उतना ज़्यादा है. सो अपन यही करेंगे इधर भी. जया के पास कितना है बेटा? 57. एंड माया हैज़ 22. सो हाउ मेनी मोर स्टिकर्स डज जया हैव? ऑलरेडी हमें पता है माया के पास इतने ही हैं और जया के पास इतना, मतलब 50 इज मोर व्हेन कंपेयर्ड विद 20. वो भी कितना एग्जैक्टली वो भी फाइंड आउट करेंगे. 7 में से 2. सो 7 में से 2 माइनस करेंगे, 7 है, 2 फिंगर्स कट किया तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5. 1, 2, 3, 4, 5. एंड 5 माइनस 2 अप टू हियर इट इज़ 5. 5 में से 2 कट कर दिया, सॉरी 5 है, 5 में से 2 कट किया तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3. सो आवर आंसर इज 35. क्या है? स्टिकर्स. 35 स्टिकर्स. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ सी द 6th प्रॉब्लम, व्हाट इट इज. Mrs. Roy needs 78 paper cups. Mrs. Roy के पास कितना है? Needs, चाहिए उसको. कितना चाहिए? 78 paper cups चाहिए, क्योंकि उसके घर पे कुछ function है. That's what. She already has 43 paper cups. Already मतलब already उसके पास कितने हैं? 43. जैसा घर पे पहले कोई program हुआ, उनके पास रखा हुआ है 43. So how many more? तो children इधर एक चीज़ आप observe करिए, how many more? More वाले भी word जब आएगी तो भी आपको ध्यान रखना है. और इससे भी कितना ज़्यादा उनको चाहिए? जैसा किसी के पास इतने हैं, इसके पास इतना है, कितने ज़्यादा हैं ये फाइंड आउट करना हो तो हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हाउ मेनी मोर डज शी नीड टू बाई? इनको और कितना ज़्यादा खरीदना पड़ेगी? मिसेस रॉय को. मिसेस रॉय के पास
को चाहिए कितना 78 पेपर कप्स. शी नीड्स शी वांट्स 78 पेपर कप्स. शी ऑलरेडी हैज 43. कितने हैं उनके पास 43. तो 78 में से 43 माइनस करिए आप, तो उनको और कितना ज़्यादा चाहिए वो हमें पता चलेगा. एंड शी विल बाई दोज 8 माइनस 3. 8 में से हमें 3 माइनस करना है, 1, 2, 3. सो वी आर लेफ्ट विथ, ये इधर हमारा कौन सी नंबर आएगी, यस इट इज़ 5. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ 7 में से 4 कट करेंगे, 7 में से 4, 1, 2, 3, 4. सो वी आर लेफ्ट विथ 3, 35. सो आवर मिसेस रॉय नीड्स 35 मोर पेपर कप्स, 35 पेपर कप्स. सो उनके पास पहले 78 थे, उनमें से उन्होंने 43, उसको चाहिए 78 और उसके पास पहले से 43 थे, तो 78 से 43 हमने माइनस किया तो वी गॉट 35. सो मिसेस रॉय हैज़ टू बाय 35 पेपर कप्स. इज इट ओके चिल्ड्रन? एंड नाउ द लास्ट वन, सेवेंथ वन, यू हैव टू डू एज योर एच डब्ल्यू. ओके, सो 3 सम्स ऑफ एच डब्ल्यू में, ओनली 2 सम्स यू आर गोइंग टू डू. टॉम्स ग्रैंडमा इज 59 ईयर्स ओल्ड. टॉम के ग्रैंडमा 59 ईयर्स की है. हिज आंट, टॉम की आंट 28 ईयर्स की है. तो आंट से कंपेयर करो तो हाउ मच ओल्डर इज हिज ग्रैंडमा देन हिज आंट. जैसे हम अपन अब्दुल और अब्दुल के फादर का किया, ऐसे आप टॉम की ग्रैंड मदर और टॉम की आंट के बीच में जो एज डिफरेंस है, आंट की टॉम की ग्रैंड मदर आंट से कितने ओल्डर है, ये फाइंड आउट करनी है. आप फाइंड आउट करेंगे. इज इट ओके चिल्ड्रन?